एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गईया ढोले ना, मैं ते लुटी गईया लाया लाया बात है, जबरदस्त खूबसूरत भाई। आपको पता है इनको और इनके मियाँ को, वैसे उनको तो मैं रागों का भी इतना पता है कि अक्सर आपके गाना गा रहे होते हैं तो सऊद भाई ये बता दे मुझसे अच्छा गाते हैं ये गाना कौन से, नहीं वैसे वो कम गाते हैं, नहीं मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छा गाते हैं, लेकिन सऊद भाई का रागों पे ना उनको पता होता है, फलाना जो गाना था ना वो इस राग पे और इन्होंने कॉपी किए मेरे नहीं है, मैं गाना ऐसे चूज करती हूँ पता ही ना चले ये दैट दैट, लेकिन फिर भी पता चल जाता है ना, लेकिन इतना कम गाते हैं। और कभी सुने सऊद भाई को गाते? मैंने बिल्कुल सुना, मैंने बिल्कुल सुना वो इवेंट्स पे, क्या आवाज है। और वो फिर बताते हैं कि कौन से गाने से, आपको पता है तबला भी बड़ा अच्छा बजाते हैं, एक शो हो जाए तो पूरे फनकार के साथ शादी कर ली मैं, उधर तबला भी मुश्किल काम है, तबला बजाना मेरे घर पैकेज है वो, है ना पूरा। अच्छा मुझे बताएं आपने नीक सिंगिंग के बारे में, क्योंकि अभी ब्रेक में साहिर भी जो है वो भी जाते हैं जरा गुनगुना के आ जाते हैं और हम भी जरा एंजॉय कर लेते हैं ना, कि आपने क्यों नहीं गाया? व्हाई? मैं पता है अपने आप को, मैंने ख्वाब देखती हूं मैं, मुझे अगर आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुझे कितना शौक है, अगर मैं अच्छा गाती होती मैं कोई और काम जिंदगी में करती नहीं, मुझे इतना शौक है, मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ कैसे अरीना भरा हुआ है और मैं एकदम आई हूँ और मैंने शुरू किया सब, ओ वाओ, या मुझे लगता है मैं कभी किसी शो पे जाऊंगी और मैं एकदम गाने लग जाऊंगी, मैं इस पे मुझे बहुत फेथ है इस बात पे कि एक दिन मैं ऐसा गाऊंगी कि सब हैरान हो जाएंगे, बस या तो हैरान हो जाएंगे बस, या हैरान हो बस, ख्वाब सिर्फ देखनी है ताबीर, मुझे इतना शौक है मदिया गाने का, माय सोच है। हाँ ये हम दोनों के साथ है, बहुत मुझे शौक, मेरा तो मियाँ मुझे बड़े मजे से कहते कहते इसलिए अल्लाह ने आवाज दे दी क्योंकि मैं हर जगह शुरू हो जाऊंगा, बहुत बुरा गाया था आपने, मैं गा ही नहीं सकती, मैं चाहूंगी तो मैं नहीं गा सकती। हाँ लेकिन सऊद ने तुम लोगों को माइक पकड़ाया था मुझे याद है ऐसे, लेकिन अच्छा गाया, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस इस तरह ऑन एयर पे, मतलब ये हमारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि हम गलत भी सही गा रहे होते हैं, मेरे साथ ये चीज आ गया है और क्यों चीजें आ गई हैं, मैं एक गाना बनाऊंगी जब ये मैं पता, यू शुड सिंग आई एम गोइंग टू मशीन्स अब बड़ी, हम एक नादो साधो करेंगे। मैं जब लीड मेट शो करता था तो हमने बैंड इंट्रोड्यूस किया तो मैं उसके साथ गाया करता था, तो जब बहुत साल गुजर गए, अच्छा मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ, जब बहुत साल गुजर गए तो उसके बाद थोड़ा सा जरा मुझे समझ आने लगा ना, तो मैंने अपने पुराने वाले गाने सुने और मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा यू नो आपने मुझे बताया नहीं, कहले भाई आपसे डरते थे वरना तो आई वॉज हॉरिबल एंड आई स्टिल एम। नहीं मुझे टोटल 15 गाने याद है और 15 गानों पे 15 साल गुजर गए। रिजवान कराची से और स्पेसिफिकली जी इन्होंने कॉल की है साहिर के लिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक शो करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और मैं साहिल भाई से बात करना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सलाम रिजवान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम साहिल भाई, बहुत खुशी है आपको देखकर साहिल भाई। थैंक यू। हम चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कब आप शो करेंगे, हम आपको लाइव देखना चाहते हैं डेली।
सून। और दूसरा मेरा सवाल है कि सर आपकी मूवी कब आने आ रही है, या कम से कम हमें यूएसबी में दे दे, हम देख कर डिलीट कर देंगे बॉस। अच्छा अच्छा इंच लॉन्च करना जा रहे हैं मिक्स ऑफ एमेजोन एंड अलीबाबा, तो मैं उसके लिए बहुत बिजी हूँ। मेरा एम है कि पाकिस्तान में 3-3.5 लाख जॉब जो है हम क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए अल्लाह करेगा दुआ कीजिए। तो हमने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, उसकी एप्लीकेशन तो बन गई, अब उसको लॉन्च करना है मुझे, और उसका प्रोटोटाइप जो है वो हम दिसंबर के अंदर, इस दिसंबर में लॉन्च करेंगे, तो उसमें बिजी हूँ। प्लस मेरा 1.25 साल रह गया पीएचडी का, तो वो मुझे ख़त्म करनी है। शो के बारे में बात चल रही है, दुआ कीजिए। अच्छा हम जो यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए सुबह जब आप हमें देखते हैं तो 2 घंटे हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपका दिन इतना अच्छा कर दें, आपके दिन का स्टार्ट हंसी खुशी के, आप हमारा शो देखें तो आपकी जितनी भी टेंशन है ना, आप वो 2 घंटे के लिए तो एटलीस्ट भूल जाएं। और कभी कभी कोशिश ये भी करते हैं कि आपको भी सोल्यूशन दे दें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है मॉर्निंग शो होस्ट के लिए भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लाइव शो में आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप अक्सर बीमार होते हैं, और बहुत सारे घर में भी आपकी परेशानी चल रही होती है, बट हमारी कोशिश ये होती है कि वो हमारे चेहरे पे ना सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको हमारा हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है ना वही चाहिए होता है। नादिया, डू यू थिंक, बिकॉज आपने भी एक बड़ा लंबे अरसे भी, आई रिमेंबर व्हेन योर मदर डाइड, और उसके बाद भी जब आपने आके शो किया था, मुझे आज भी आपका शो याद है, वो कितना मुश्किल वो शो था कि जो आप बैठ के सारी बात करना, सो कहीं कहीं आपको लगा कि ये बड़ा मुश्किल, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए? मेरे टाइम पे हम लोग जिस तरह शो करते थे दुबई से, बहुत स्ट्रेसफुल था कि छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी जब मुझे मम्मी की कैंसर का पता चला था, मैं वीकेंड के बाद जब पहुंची थी तो सेट लगा हुआ था, आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक एनी हॉलीडे, और वो उसमें था ही नहीं कि जी ब्रांड्स एड्स चलने हैं, ये होना है। एक बार मेरी एक सर्जरी होनी थी विच वॉज वेरी सीरियस, और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, और मैं वेट करी थी कि कोई आए छुट्टी पूरे साल तो मैं कराऊँ। तो मैं चेकअप के लिए गई हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट करना था, और मुझे इंजेक्शन लगा दिया उसका, बेहोशी का ही ऑलमोस्ट, सेडेटिव था बहुत स्ट्रॉन्ग। अब मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, मुझे फोन आया, मेरे डायरेक्टर का बनी कह रहा है अरे स्ट्रिंग्स आए हैं, आज हमने रिकॉर्ड करना था शो, अभी शाम की बात है, मैं भूल गई कि रात को तो रिकॉर्डिंग थी। मैंने कहा मैं तो सेडेट हुई हूँ, मैं तो पता नहीं होश में ही नहीं हूँ। उसने कहा नहीं आना है, मैं गई, मैंने शो किया, फिर आई कोलैप्स्ड, फिर मेरी उन्होंने सर्जरी किया। मैं डॉक्टर कहता यू क्रेजी, होता ही नहीं था कि छुट्टी लें, शो मिस करें। अच्छा मैं वेकेशन पे जितनी दफ़ा गई हूँ कैमरा और क्रू साथ, कहते हैं आपने कहाँ जाना है वेकेशन पे, ठीक है शोज कर लेते हैं वहाँ, सबको ले चले। तो मेरी मेरी एनुअल वेकेशन पे भी शो साथ जाता था, लेकिन वो बड़े हिट शोज थे, बिकॉज लोग बाकी एक मोहब्बत आप कर रहे थे, कोई गैप, कोई पर्सनल लाइफ, कोई फैमिली लाइफ, कुछ सब मतलब बहुत मुश्किल होता था मैनेज करना। हाँ अब मैं देखती हूँ कि सब ब्रेक्स भी ले रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए अब तो YouTube का भी टाइम है, YouTube पे तो लोग देखना भी चाहते हैं कि अच्छा आप क्या कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, जो स्पेसिफिकली आप किसी अगर डिनर पे गई, शादी पे गई। ज्वेरिया भी माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव है, मैं आपको देख रही होती हूँ।